जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। तो आप सभी कैसे, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं दोस्तों प्रिंस, नाम तो सुना ही होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, मेरे पास काफी ज्यादा आप सभी के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहे हैं, एडमिट कार्ड आखिर वजह क्या है, उनके क्यों रुक गए वो। तो देखिए दोस्तों, सभी का आज की इस वीडियो में आंसर दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों इससे पहले सब्सक्राइब गया भाड़ में, लाइक गया तेल लेने, आज की इस वीडियो को बिना बकवास किए ही शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि लगातार जो स्टूडेंट होते हैं ना, बहुत ज्यादा भोले होते हैं, वो लगातार दोस्तों वीडियो देखते हैं, सभी की, मेरी भी देखते हैं, अदरवाइज और सभी की भी देखते होंगे, उनमें से आप भी कुछ लोग हैं, उनका एक वीडियो देखकर मन नहीं भरेगा, मेरी वीडियो यहां पर देखेंगे, उसके बाद अदरवाइज किसी और यूट्यूबर की देखेंगे कि भाई इसने गलत तो नहीं बताया हमें। ये दोस्तों आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये चीज अब करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं बचा है, एग्जाम इतना ज्यादा नजदीक आ चुका है। अगर आप ऐसा खेल खेलेंगे ना कि मेरी वीडियो देख ली, उसके बाद दोस्तों नीचे कोई वीडियो सजेस्टर मारी वो देख ली, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आखिरकार जो है छात्र क्या करते हैं, देखिए अभी क्या देखा, मेरी वीडियो देखने के बाद देखा कि एडमिट कार्ड आ गए, किसी ने थंबनेल लगा दिया, उसकी वीडियो पर क्लिक कर दी, एडमिट कार्ड में ये गलती है तो आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे, उस पर क्लिक कर दी। तो भाई आप इन बातों पर क्या कर रहे हैं यार, ऐसी बातें सुनकर आपको मिलेगा क्या वहां पर? एडमिट कार्ड आने के बाद आपको देना तो एग्जाम ही है ना, तो एग्जाम तो आप दे पाएंगे। और देखो एक बात मैं आपको सिंपल बता देता हूं, देखिए क्या है, अगर आपको एडमिट कार्ड ही चेक करना है तो कैसे करना है वो मैं बता देता हूं, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरी वीडियो एक बार देख लीजिए, आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, एक वेबसाइट है उसका नाम है, मैं उसका वेबसाइट का यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, पहले बता देता हूं मैं, वो सबसे बेस्ट वेबसाइट है, उसका नाम है सरकारी रिजल्ट.com, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में, सरकारी रिजल्ट RESULT.com, ठीक है। भाई मिस्टेक हो सकती है कुछ इसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है भाई, एकास वर्ल्ड में लिखने में थोड़ी गलती हो सकती है, तो इस पर ध्यान न दे, यही वेबसाइट है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो आपको इस पर विजिट करना है, विजिट करने के बाद दोस्तों उसमें तीन ऑप्शन देते हैं, देखिए एक ऐसे और एक यहां पर, ठीक है, ये एक दो तीन, ठीक है। तो यहां पर ऊपर लिखा होता है न्यू जॉब, ठीक है, उसके बाद यहां लिखा होता है दोस्तों क्या, यहां पर लिखा होता है आपका एडमिट कार्ड, ये वाली, और यहां होता है रिजल्ट, ठीक है, यहां रिजल्ट होता है। तो भाई एडमिट कार्ड का ऑप्शन पर यहां पर आपको जब चमक जाए ना कि यहां पर दोस्तों SSC GD एडमिट कार्ड, तो समझ लीजिए आपके एडमिट कार्ड आ गए, ठीक है, समझ लीजिए आपके एडमिट कार्ड आ गए, सबसे पहले वो वेबसाइट बता देती है, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप उसको समय समय पर चेक करते रहे, सुबह शाम चेक करें या दोपहर में चेक करें, लगातार किसी यूट्यूबर की वीडियो देखिए मत, देखना है तो दोस्तों कोई ऐसी वीडियो देखिए जिसमें आपको नॉलेज मिले, यानी दोस्तों आपको वहां पर कोई क्वेश्चन वगैरह मिले उनको देखिए, ताकि आपको नॉलेज मिल सके, चाहे वो मेरी वीडियो है चाहे अदरवाइज किसी की वीडियो, भाई मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, ये चीज तो आपको पता चलिए कैसे देखे, मैंने बोला ना एडमिट कार्ड कैसे देखे, तो ऐसे चेक कर पाएंगे, रिजेक्टेड फॉर्म वाले क्या दोस्तों क्या कर पाएंगे, भाई उनका तो रिजेक्ट हो गया फॉर्म, वो क्या करें? तो देखिए रिजेक्टेड फॉर्म वाले दोस्तों कुछ ना करें, अभी उनको मैं बता दूं रिजेक्ट का फॉर्म हो चुका है, उन्होंने भाई मिस्टेक किया है तो उनको उनकी सजा तो मिलनी है भाई, क्योंकि जब तो उनका जो ध्यान था वो बाबू सोना में था, बाबू सोना से चैटिंग कर रहे थे, हाँ मेरी बाबू ने थाना था या नहीं था, तो तब तो वो ये काम कर रहे थे, अब वो दोस्तों पछता रहे हैं, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा ध्यान दोस्तों उस कंप्यूटर वाले पर दे देते जो उनका फॉर्म फिलअप कर रहा था, तो आज ये गलती देखने को नहीं मिलती, जैसे आप अब देख रहे हैं, अब रोने से क्या दोस्तों, वो सुना है ना आपने, अब रोने से क्या फायदा दोस्तों, जो चिड़िया चुग्गी खेत, तो ये ऐसे ही आपके साथ हो रहा है, तो पहले तो आपने ध्यान दिया नहीं, अब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो अब आप रो रहे हो, अब आप सबसे पूछ रहे हो कि अब क्या करूं, तब तो आपने गलती की ना, किसी ने दो रजिस्ट्रेशन कर दिए, किसी ने अपना जो नाम है मिस्टेक से अपनी मम्मी का नाम, फादर का नाम वो गलत कर दिया, तो इसमें तो मिस्टेक आपकी हुई है ना। तो भाई अब देखिए SSC की तरफ से कोई नोटिस आता है कि रिजेक्टेड फॉर्म वाले क्या करें, उनको दोबारा मौका मिलेगा, मॉडिफाई का ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तब दोस्तों वो बात होगी, ठीक है। हालांकि सभी नहीं करते गलती, सबसे हो जाती है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ ज्यादातर जो लोग गलती करते हैं, भाई रिजेक्ट हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, कभी फॉर्म फिलअप किया मेरे भी हुआ है, लेकिन ज्यादातर दोस्तों गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, वो ध्यान नहीं देते हैं जब वो फॉर्म फिलअप करवाते हैं, ठीक है। तो मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, बाबू सोना के लिए, आई रियली सॉरी। वैसे देखिए इन छात्रों के एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि भाई उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, सिंपल सी बात है, उनके एडमिट कार्ड तो नहीं आएंगे जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए, जिनका स्टेटस आ चुका है उनके तो एडमिट कार्ड आने ही है, लेकिन जिनका अभी तक नहीं आया है वो वेट कीजिएगा, उनके पहले स्टेटस आएगा उसके बाद उनका एडमिट कार्ड आएगा, और एडमिट कार्ड कब तक आएंगे वो ध्यान दीजिएगा। एडमिट कार्ड देखिए भाई, दिवाली आ चुकी है आपकी, तो यहां पर दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं,
आपका जो एग्जाम होगा ना, एग्जाम से चार दिन पहले दोस्तों आपका एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। चार दिन पहले, जब जैसे मान लिया आपका एग्जाम दोस्तों है 16 नवंबर को, तो आपको एडमिट कार्ड 12 नवंबर को आ जाएंगे। ये सभी के साथ होगा। जिसका एग्जाम दोस्तों 15 दिसंबर को है ना, तो उनके एडमिट कार्ड दोस्तों आएंगे कम से कम यहां पर 11 दिसंबर के आसपास। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई पागल क्यों बना रहे हो यार, इतना लंबा क्यों खींचेगा। भाई एडमिट कार्ड तो आपके उसी दिन आएंगे, लेकिन स्टेटस पहले आ जाएगा। जिसका एग्जाम 15 दिसंबर को है ना, उनका भी दोस्तों स्टेटस पहले शो हो जाएगा। कम से कम दोस्तों यहां पर 5 से 8 तारीख के बीच में आपका सभी का स्टेटस शो हो जाएगा। जितने भी दोस्तों बच्चे हुए सभी का 5 से लेकर 8 तारीख के बीच में सभी के जो स्टेटस है वो आ जाएंगे। एडमिट कार्ड 4 दिन पहले ही आते हैं सभी के। वो एडमिट कार्ड में आपका जो यहाँ पर जो कॉलेज नेम होता है उसमें वो शो होता है। इसमें स्टेटस शो नहीं होगा। स्टेटस में अपना आप दोस्तों ये देख पाएंगे कि आपका फॉर रिजेक्ट हुआ है या एक्सपेक्टेड हुआ है, और आपका एग्जाम किस सिटी में, वो चीज यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो भाई ये तो बात हुई उसकी, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं आगे। अब बात आगे क्या करते हैं, देखिए मैंने आप सभी को एक बात बताई है कि भाई तैयारी कैसे कर रहे हो आप लोग। अगर तैयारी नहीं कर पा रहे हो तो अच्छी से तैयारी करें। मैंने दोस्तों उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, मैं आप सभी को बता देता हूं। देखिए अगर दोस्तों आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि भाई कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक बात बताऊंगा जरूर कि भाई सबसे पहले आपको जो है ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब कुछ लोग मुझसे ये बोलेंगे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे यार, हमें तो ये नहीं पता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं, आप बता दीजिए। तो बिल्कुल बता रहा हूं भाई, यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है जैसे दोस्तों आपने कोई भी यहां पर कोई भी बुक पढ़ी तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से छांटने हैं, उनको दोस्तों प्रिपरेशन करनी है उसके बाद। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, देखिए दोस्तों मैंने इसके लिए एक आपके लिए बहुत सिंपल तरीका बना दिया है। एसएससी जीडी में दोस्तों जीके जीएस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रीजनिंग के, मैथ के और जीके जीएस के सभी के दोस्तों कंबाइंड डाटा जो है, सभी का दोस्तों एक्यूरेट डाटा मैंने आप सभी के लिए तैयार कर दिया है। और ये नंबर है 6396453592। इस नंबर पर दोस्तों अगर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो दोस्तों आपको जो है वो पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें आप सभी के लिए हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। भाई इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन दिए हैं वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा केवल दोस्तों 100 रुपए में। आपको जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ है ना वो मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों हमने यहां पर 5000 दोस्तों, पहले 25000 थे, अब 5000 दोस्तों टॉप क्वेश्चन दिए हैं जो एसएससी जीडी में रिपीटेड हुए, बार बार रिपीट हुए। जो दोस्तों क्वेश्चन 54 शिफ्ट में पहले पूछा गया था 2019 में, उसमें से हमने सभी क्वेश्चन दोस्तों निकाले हैं और देखा कि कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है उसमें वो क्वेश्चन है। और दोस्तों इस बार 2021 में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें हमने वो लिए हैं। तो यकीन माने दोस्तों अगर आपने इस पीडीएफ को पढ़ लिया तो मैक्सिमम मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि भाई आप जो है 90+ नंबर ले आएंगे या 80+ नंबर ले आएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आपने जो पढ़ लिया यहीं से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एसएससी रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है और रिपीटेड क्वेश्चन ही हमने इसमें डाले हैं। 2011 में क्वेश्चन आए हुए हैं, 2019 में आए हुए हैं और 2015 में क्वेश्चन आए हुए हैं, वही है इसमें है। अब 5000 क्वेश्चन तो आप पढ़ सकते हैं, आपका एग्जाम दोस्तों चाहे कभी हो, अगर 16 तारीख को हो तब भी आप 5000 क्वेश्चन पढ़ जाएंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूं, ले लीजिएगा जिसको जरूरत है भाई, ठीक है। अब सबसे इंपोर्टेंट बात आती है भाई प्रैक्टिस की, कि प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए दोस्तों मैंने आप सभी के लिए यहां पर जो है एक दोस्तों बुक मंगा दी है, और बुक कौन सी है वो देख लीजिए आप, ठीक है। तो बुक भी मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ये बुक है भाई प्रैक्टिस के लिए, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे अपनी। इसको जिसने नहीं लिया ले लीजिएगा भाई, कम टाइम बचा है तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस तो कुछ नहीं हो पाएगा। अंतिम टाइम में भी दोस्तों ये बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक है, ठीक है, 800 रुपए में मिल रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आप प्रैक्टिस के लिए इस बुक को ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप इसकी गाइड लेना चाहते हैं तो गाइड भी मेरे पास है, जो दोस्तों देखिए चक्षु पब्लिकेशन की गाइड है, इसमें आपको सारे जो सिलेबस है वो मिल रहा है।
तो लास्ट में दोस्तों अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो भाई इनका सभी का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना परचेस करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी बुक सेलर से भी इनको परचेस कर पाएंगे, ठीक है। ये तो भाई बात हुई बुक की। अब दोस्तों मैंने पीडीएफ के बारे में आपको बता दिया, पीडीएफ आप ले सकते हैं, केवल 100 रुपए का पीडीएफ है। हमें अगर कॉल करते हैं इस नंबर, सॉरी मैसेज करेंगे इस नंबर पर, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। दिवाली का तोहफा है आप सभी के लिए, तो दिवाली पर दोस्तों ये गिफ्ट है ये समझ लीजिए। बिल्कुल अच्छे से दोस्तों प्रिपरेशन कीजिए, आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी 100% गारंटी के साथ, ये बता रहा हूं मैं, ठीक है, 100% गारंटी के साथ। देखिए दोस्तों, अब कुछ लोग मुझसे क्या बोल रहे थे कि यहां पर कि भाई आप जो है हमें ये तो बता देते हैं कि ये करना है वो करना है, लेकिन आप जो क्लासेस स्टार्ट नहीं कर रहे, क्लासें कब से स्टार्ट करेंगे? तो देखिए भाई, मैं यहां पर क्लासें आपको नहीं दे रहा हूं, क्योंकि क्लासें में इतना टाइम आपको लग जाता है। मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो दे रहा हूं ना, वही से काम चल जाएगा। क्लासें देंगे तो भैया क्लासें में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, हर चीज को स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है। तो क्लासें करने में अच्छा है कि आप ये चीज करें, बहुत इंपोर्टेंट चीज मैं आपको दे रहा हूं भाई। यहां पर 5000 क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन में दे रहा हूं, तो इससे अच्छा और क्या मैं दे सकता हूं भाई, ठीक है। तो भाई यही एक बात रहेगी आप सभी के लिए, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल दोस्तों इस पीडीएफ को आप ले लीजिएगा, सफलता दोस्तों आपको बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों एडमिट कार्ड के बारे में इधर उधर भाई ना झांके कि एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं, कभी किसी की वीडियो में झांक रहे हैं कभी किसी की वीडियो में, तो ये गलत बात है। अपने आप को देखें कि भाई एडमिट कार्ड उस दिन आ रहा है। बिल्कुल मैंने दोस्तों वेबसाइट बता दी है कहां से आप चेक कर पाएंगे, बिल्कुल अच्छी वेबसाइट है, हर कोई दोस्तों उसको यूज करता है, चाहे मैं हूं चाहे अदरवाइज और कोई यूट्यूबर है, ठीक है, सबको वो वेबसाइट और बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है। तो आप भी दोस्तों उस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, बिल्कुल आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ ऑल, जय हिंद, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।